ओके अब वो सब्सक्राइब में लिखा गया है, सब्सक्राइब कर दिया करो ना, है ना। चलो 1817 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में सीता बर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई? अंग्रेज हार गए या मराठा हारे या लड़ाई अनिर्णायक रहा या डी इनमें से कोई नहीं। ओके चलिए देखते हैं इसको। 1817 है ना, तो आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था महाराष्ट्र में, नागपुर में आपका, कहाँ? सीता बर्डी में। किसके बीच? तो अंग्रेजों और आपका मराठों के बीच में। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, हम लोग देखे थे कि 1788 से 1818 तक छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चलता है। तो सूबा शासन को चलाने वाला कौन था? व्यंको जी। तो 1788 से 1811 तक सूबा शासन कौन चलाता है? व्यंको जी। कौन? व्यंको जी। 1811 में बनारस में बीकाजी गोपाल सूबेदार के समय में व्यंको जी की क्या हो जाती है? मृत्यु। उसके बाद 1811 से लेके 1818 तक सूबा शासन को चलाने वाला कौन था? अप्पा साहब। कौन था? अप्पा साहब। और अप्पा साहब ये भाई था ना किसका? रघुजी द्वितीय का। तो रघुजी द्वितीय ये नागपुर का शासक था, मराठा शासक, भोसला मराठा शासक। तो रघुजी की मृत्यु, जो नागपुर में मराठा शासक था, कौन? रघुजी द्वितीय, जिसका भाई था ना कौन? अप्पा साहब। तो रघुजी द्वितीय की मृत्यु होती है कब? 1816 में, जब अप्पा साहब सूबा शासन को चलाते रहते हैं। इसी बीच 1816 में नागपुर के भोसला मराठा शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो नागपुर की गद्दी में अब बैठे कौन? तो अप्पा साहब चाहता था कि गद्दी में मैं बैठूं, लेकिन यहां पर रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोनजी भोसला ये शासक बनता है। अप्पा साहब नहीं चाहता था कि ये शासक बने, लेकिन चूंकि बेटा है, उत्तराधिकारी यही था, तो ये शासक बनेगा। तो अप्पा साहब ये जब सूबा शासन चलाता रहता है, तो 1816 में इसकी मृत्यु के बाद जब परसोनजी भोसला शासक बनता है, तो अप्पा साहब परसोनजी भोसला को सहायक संधि लेने के लिए मना लेता है। है ना, भारत के इतिहास में पढ़ोगे सहायक संधि, यहां बताने कोई मतलब नहीं है। लॉर्ड वेलेजन ने लाया था क्या? सहायक संधि। और सहायक संधि का एक प्रावधान था कि जो यहाँ के शासक थे, ठीक है, उनको ब्रिटिश सेना या अंग्रेजी सेना देकर क्या करना? सहायता प्रदान करना। बदले में एक जो ब्रिटिश सेना का जो प्रमुख होगा वो राजा के यहाँ क्या करेगा? प्रतिनिधि के रूप में रहेगा। और जो राजा सहायक संधि लिया हुआ है वो बिना अंग्रेजों के पूछे दूसरे राज्यों के साथ उस संधि नहीं कर सकता, न उनके खिलाफ जा सकता है, न किसी से मैत्री कर सकता है। ये सहायक संधि प्रावधान था। और ये भी था कि यदि सहायक संधि का उल्लंघन किया जाएगा और अंग्रेजों के किसी शत्रु से मित्रता की जाएगी तो सहायक संधि का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साम्राज्य को मिला दिया जाएगा। किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में। तो अप्पा साहब ये परसोनजी भोसला को सहायक संधि लेने के लिए मनवा लेता है। तो परसोनजी भोसला सहायक संधि लेगा, तो उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन रहता है? हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स से ये सहायक संधि लेगा। ओके, किसके कहने पे? अप्पा साहब के कहने पे। तो नागपुर जो साम्राज्य है वो सहायक संधि ले लेता है। ओके, सहायक संधि लेंगे 1816 में इसके मरने के बाद। फिर 1817 में रहस्यमय तरीके से परसोनजी भोसला की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि अप्पा साहब ही मरवाया था किसको? परसोनजी भोसला को, क्योंकि गद्दी में बैठना चाहता था कौन? अप्पा साहब। तो परसोनजी भोसला की मृत्यु होती है 1817 में, तो अप्पा साहब गद्दी पे क्या करता है? बैठ जाता है। कहां के? नागपुर के। ओके, अब ये गद्दी पर बैठा तो सहायक संधि जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए था नहीं, पूरे साम्राज्य के लिए था।
तो सहायक संधि जब यह राजा बनता है, नागपुर का शासक बनता है, सहायक संधि इस पे भी लागू होती है, किस पे? अप्पा साहब पे। यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और जाके मिल लेता है किससे? पेशवा लोगों से। और पेशवा से मिलके अंग्रेजों के खिलाफ क्या करता है? युद्ध का बिगुल फूंक देता है। कौन? अप्पा साहब। तो सहायक संधि का उल्लंघन माना गया और अंततः 1817 में सीताबर्डी में क्या होगा? अंग्रेजों और मराठों का युद्ध होगा और मराठों की सेना को उस समय लीड कौन कर रहा था? अप्पा साहब। तो इस युद्ध में मराठा यानी कि अप्पा साहब क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो मराठा क्या हुए? हार गए। ओके, अब मराठा आ रहे, चूंकि सहायक संधि का इसने क्या किया था? उल्लंघन। तो युद्ध के हारने के पश्चात पूरे नागपुर साम्राज्य का है ना, उसको अपने अधिकार में ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया जाएगा? मिला लिया जाएगा। ओके, तो उस समय उत्तराधिकारी रहेगा ना परसोनजी भोसला का बेटा बाजीराव गुजर, जिसके रघुजी तृतीय के नाम से जाना जाएगा आगे चल के। ओके, बाजीराव गुजर या रघुजी तृतीय, चूंकि ये अल्पवयस्क रहता है तो इसको उत्तराधिकारी बना के गद्दी में बैठा देते हैं और अंग्रेज जो हैं वो संरक्षण प्रदान करेंगे किसको? रघुजी तृतीय को। और अप्पा साहब को क्या किया जाएगा? नागपुर से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, निष्कासन कर दिया जाएगा। किसका? अप्पा साहब का। क्लियर है? तो 1817 का जो आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध हुआ था उसमें मराठा क्या हुए थे? पराजित हुए थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? तो अभी बताया जब 1817 में युद्ध हारेंगे उसके बाद जो अल्पवयस्क परसोनजी भोसला का बेटा बाजीराव गुजर वो अल्पवयस्क रहता है उसको गद्दी में बैठाएंगे, उत्तराधिकारी बनाएंगे और संधि होगी और बोला जाएगा कि जब तक ये वयस्क नहीं हो जाता तब तक पूरे मराठा साम्राज्य को, नागपुर सहित छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। तो 1818 से 1830 तक मराठा जो थे वो किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के। क्लियर है? और नागपुर के गद्दी में उस समय अल्पवयस्क जो शासक था वो कौन था? आपका बाजीराव गुजर, जिसको रघुजी तृतीय के नाम से जानेंगे। तो पहली बार किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन हुआ मराठा साम्राज्य? तो आपका 1818 में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिशों के अधीन मराठा शासन की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया था? ओके, एडमंड को, एगन्यू को, इलियट को या हंटर को? तो 1818 से 1830 ब्रिटिशों के अधीन मराठा, तो हेडक्वार्टर जो था संचालन कहां से? नागपुर से। और नागपुर के अधीन था कौन? आपका छत्तीसगढ़। ओके, तो 1800-1830 तक जब आपका ब्रिटिशों के अधीन मराठा होंगे तो नागपुर में नियुक्ति करेंगे किसका? रेजिडेंट का। रेजिडेंट किसकी नियुक्ति होगी? रेजिडेंट की। और छत्तीसगढ़ में भेजेंगे किसको? अधीक्षक को। किसको? अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ओके, तो नागपुर में दो रेजिडेंट हुए थे, एक जेनकिंस और दूसरा विल्डर। कौन? जेनकिंस और विल्डर। तो 1818 से लेकर 1827 तक जेनकिंस रहेगा नागपुर का क्या? रेजिडेंट। और 1827 से लेकर 1830 तक विल्डर रहेगा क्या? आपका रेजिडेंट। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ में नियुक्ति की जाएगी किसकी? अधीक्षकों की। तो कुल 6 अधीक्षक हुए थे। कितने? 6। तो 6 अधीक्षकों में याद रखना 1818 से 1830। ओके, 1818 में ब्रिटिश अधीक्षक था आपका एडमंड। कौन था? एडमंड, कैप्टन एडमंड।
18 से 25 तक आपका कैप्टन एगन्यू, कौन एगन्यू, 1825 में हंटर, कौन हंटर, 25 से 28 सैंडिस, कौन सैंडिस, 28 में विल्किंसन, कौन विल्किंसन, और 28 से 30 क्रॉफर्ड, कौन क्रॉफर्ड। तो पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, एडमंड, और अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, क्रॉफर्ड। तो दो दो चार और दो छह, ये छह अधीक्षक हुए कहां पे, छत्तीसगढ़ में। पहला अधीक्षक कौन, एडमंड, और अंतिम अधीक्षक कौन, क्रॉफर्ड। तो कौन कौन दिख रहा है यहां पे, एडमंड, एडमंड है, एगन्यू है, हंटर है, तो कौन नहीं था, इलियट, क्लियर, ए अधीक्षक नहीं था ना। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर रहता है, क्लियर है। 13 मार्च 1854 को जब नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय कर दिया जाएगा, तो वहां पे आपका नागपुर में कमिश्नर और छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर, तो पहला डिप्टी कमिश्नर बन के आता है कौन, आपका चार्ल्स सी इलियट, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहां के जमींदार ने डोंगरगढ़ के विद्रोह के समय कैप्टन एडमंड का साथ दिया था। ओके, तो अभी देखे कि जैसे ही 1818 में मराठा जो है वो ब्रिटिशों के अधीन हो जाते हैं, नागपुर में अल्पवयस्क शासक बाजीरा गुजर यानी कि रघुजी तृतीय बैठा हुआ है, ओके, और छत्तीसगढ़ में कौन आ गए हैं, तो आपका अधीक्षक, और वहां नागपुर में जो रघुजी तृतीय वो किसके अधीन था, तो अंग्रेजों के, और वहां पे कौन बैठा हुआ था, तो रेजिडेंट, रेजिडेंट कौन था आपका, जेनकिंस, क्लियर। तो अप्पा साहब को वहां से क्या कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था नागपुर से सहायक संधि का उल्लंघन करने के लिए। तो नागपुर से भाग के आता है कहां पे आपका, छत्तीसगढ़, जो सूबा शासन के दौरान 1811 से 1818 तक वो सूबा शासन को चलाता है, फिर 16 से 17 है ना युद्ध वगैरह होगा, 18 में वो आपका अंतिम रूप से यहां से निष्कासित किया जाए, कहां से, नागपुर से। तो नागपुर से भाग के वो आएगा छत्तीसगढ़, जो सूबा शासन के दौरान कभी छत्तीसगढ़ नहीं आया था, छत्तीसगढ़ आएगा और डोंगरगढ़ के जमींदार के यहां रहेगा, और डोंगरगढ़ के जमींदार को उकसाता है ना कि देखो आपके यहां कौन आ गए हैं, अंग्रेज आ गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, उस समय अधीक्षक कौन था, पहला अधीक्षक कौन, एडमंड। तो अप्पा साहब के उकसाने के कारण डोंगरगढ़ का जो जमींदार रहता है वो विद्रोह कर देता है। तो डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह किसके समय, एडमंड के समय। अब ये जब विद्रोह हो रहा है तो इस विद्रोह में आसपास के जमींदारों को अपने ही पास के क्षेत्र के जमींदार का सहयोग करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इतिहास गवाह है ना कि अपने ही लोगों ने क्या किया है, धोखा दिया है। अभी तक कई वीडियो पढ़ चुके हम, देखे हैं कि जितना भी गद्दारी वो अपने लोग ही किए हुए हैं, और अपने लोगों का साथ देने के बजाय किसका साथ दिए थे, अंग्रेजों का। तो वैसे ही यहां पे कैप्टन एडमंड का साथ देगा ना, कहां का जमींदार, खैरागढ़ का, कहां का, खैरागढ़ का, और खैरागढ़ का जमींदार था ना कौन आपका, टिकैत राय, कौन, टिकैत राय। ओके, तो खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय ने साथ दिया था किसका, एडमंड का, और इसने डोंगरगढ़ के विद्रोह क्या कर दिया, दमन कर दिया, दबा दिया उसको, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी परिवर्तित की। ओके, एडमंड ने, एगन्यू ने, सैंडिस ने, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो एडमंड ये 1818 में आपका अधीक्षक रहता है, इसी के समय डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह होगा, उसके बाद 1818 में इसकी यही मृत्यु हो जाती है, किसकी, एडमंड की। एडमंड के बाद कौन अधीक्षक बनेगा, एगन्यू। तो एगन्यू से पहले एडमंड, और एडमंड से पहले यदि देखें तो पूरा पूरा मराठा शासन ना, बिंबा जी से समझ, तो पूरा का पूरा शासन कहां संचालित हो रहा था, रतनपुर से। तो एगन्यू जब आता है तो राजधानी को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। राजधानी परिवर्तित किया ना, अभी तक कहां संचालन हो रहा था, रतनपुर से, सॉरी,
यह राजधानी परिवर्तित किया रतनपुर से कहां लेके चला गया आपका रायपुर, कहां रायपुर याद रहेगा। तो किस अधीक्षक ने राजधानी परिवर्तित की, तो आंसर क्या होगा इसका बी एगन्यू। रतनपुर से राजधानी कहां शिफ्ट किया आपका रायपुर में, क्लियर। और इसी के समय 1820 में नागपुर का रेजिडेंट जेनकिंस ये आता है ना कहां पे आपका छत्तीसगढ़, कहां आता है छत्तीसगढ़, क्लियर है याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परगनों का पुनर्गठन सबसे पहले किस अधीक्षक के समय हुआ था, क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कि विट्ठल राव जो सूबेदार था वो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का क्या जन्मता था, तो उसने छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में बांटा, लास्ट वीडियो में बताया था। और ये 27 परगनों की जो व्यवस्था है वो 1818 तक चलती है। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति होगी, मराठा जो है वो ब्रिटिशों के अधीन होंगे, तो अधीक्षक आया कौन, एडमंड। वो 27 परगनों में कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे ही बनता है कौन, एगन्यू अधीक्षक, तो ये 1818 में ये बनेगा, बताया शासनकाल इसका 1818 से 1825। तो ये जब आया तो परगनों की संख्या कितनी थी, 27, ओके। तो ये 27 परगनों को कम कर देगा ना, संख्या क्या करेगा, कम करेगा। तो 27 परगनों से घटा के परगना बनाया कितना, 8। शुरू में 8 परगना बनाया, उसके बाद एक और परगना बनाया, तो टोटल कितना परगना कर दिया वो, 9। 27 से कितना कर दिया, 9, क्लियर। तो कौन कौन सब परगना बनाया, तो याद रखना रायपुर, रतनपुर, राजरो, दुर्ग, धमधा, धमतरी, नवागढ़ और आपका खरौद, क्या खरौद, ओके। तो शुरुआत में 8 बनाया, उसके बाद नवा परगना बनाया किसको आपका, बालोद को, किसको बालोद को। तो कब बनाया, तो 1820 में, कब 1820 में, क्लियर है याद रहेगा। तो सबसे पहले परगनों का पुनर्गठन किस अधीक्षक के समय हुआ, तो एगन्यू के समय, किसके समय, एगन्यू के समय, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एगन्यू ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु किस पद को समाप्त कर दिया था, क्लियर। बरार पांडे, पोतदार अमीन या पटेल, तो इसने पटेल के पद को ना समाप्त कर दिया था, किसके पद को समाप्त किया था, पटेल के, तो आंसर क्या होगा इसका डी। और पटेल के पद को समाप्त किया, बदले में बरार पांडे, पोतदार और अमीन ये पदों को है ना बरकरार रखा और इसमें लोगों की नियुक्ति की, क्लियर। तो बरार पांडे, पोतदार, अमीन ये पद बनाए और आपका पटेल के पद को क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। तो इसमें नियुक्ति की और इसको क्या किया, समाप्त किया। तो बरार पांडे ये परगने में लगान का निर्धारण करने वाला अधिकारी, जबकि पोतदार जो था ये बरार पांडे का क्या था, सहयोगी था, क्या था, सहयोगी, क्लियर है। अमीन ये राजस्व से संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी, कौन, अमीन। जबकि पटेल जो था ये गांव का, तालुके का क्या था, प्रमुख हुआ करता था। और पटेल जो तालुके का प्रमुख था ये लगान यानी कर को वसूली करने का काम करता था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का क्या था, ये सहयोगी था, क्लियर। तो जब एगन्यू आया तो इसके पद को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, गांवों के लिए पंडिया अधिकारी की नियुक्ति किस अधीक्षक ने की थी, क्लियर। हंटर ने, विल्किंसन ने, क्रॉफर्ड ने या एगन्यू ने। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार है तो ये आपका पंडिया अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो पंडिया जो था वो अमीन का सहयोगी हुआ करता था, किसका, अमीन का। और बताया अमीन जो था
यह राजस्व से संबंधी कार्य करने वाला अधिकारी होता था। तो अमीन के सहयोगी को ही क्या बोलते थे? आपका पंड्या। और पंड्या अधिकारी की नियुक्ति करने वाला कौन था? आपका एगन्यू था। कौन था? एगन्यू। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्या बोल रहा है? सोना खान का विद्रोह किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय हुआ था? क्लियर। अब जैसे ही हम लोग सोना खान का विद्रोह पढ़ते हैं, हमको वीर नारायण सिंह दिखते हैं। आपको दिखते हैं? ओके, दिखना भी चाहिए। तो सोना खान का विद्रोह, वीर नारायण सिंह, और टाइम पीरियड हमको याद आता है कब का? 1857 का। लेकिन 1857 में तो ब्रिटिश अधीक्षकों का अस्तित्व ही नहीं था ना। तो यहां पे तो बोल रहे हैं कि सोना खान का विद्रोह किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय हुआ? एडमंड एगन्यू हंटर या सेंडिस। तो याद रखना, जब अधीक्षक छत्तीसगढ़ में थे कब? 1818 से 1830। तो उस समय भी सोना खान के जमींदार का विद्रोह हुआ था, और उस समय वीर नारायण सिंह नहीं, उस समय सोना खान के जमींदार उनके पिता राम राय थे। कौन थे? राम राय। क्लियर। तो सोना खान के जमींदार राम राय का विद्रोह 1818 में, कहीं कहीं 19 भी लेता है, ओके, 1818 में यहां पे एगन्यू के समय होता है। किसके समय? एगन्यू के समय। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्लियर। तो क्यों हुआ? तो जब कलचुरी काल में शासक हम लोग पढ़े हैं बाहरेंद्र साय को, किसको? बाहरेंद्र साय। और बाहरेंद्र साय की ही सेना में है ना, था ना कौन? आपका बिसैया ठाकुर। कौन? बिसैया ठाकुर। तो जब यह सेना छोड़ता है तो बदले में बाहरेंद्र साय इसको सोना खान की जमींदारी देता है। कहां की? सोना खान की। सोना खान की जमींदारी देता है। उस समय सोना खान में 12 गांव शामिल थे। कितने? 12। और 12 के 12 जो थे वो आपका करमुक्त था। क्या था? करमुक्त। तो सोना खान की जमींदारी में जो 12 गांव शामिल थे उसको जमींदार बना दिया गया था। किसको? बिसैया ठाकुर का। किसके द्वारा? बाहरेंद्र साय के द्वारा। और पूरा क्या कर दिया गया था? करमुक्त। फिर सोना खान में देखा जाए तो ये आपका जमींदार बिसैया ठाकुर, बिसैया ठाकुर के ही आने वाली पीढ़ी में हुए ना कौन? आपका राम राजे। राम राजे के बाद आपका राम राय। तो राम राय के आते आते तक ये सोना खान में जो 12 गांव पहले थे इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 300। और वहां से किसी प्रकार का कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं पहुंच रहा। किसको? अंग्रेजों को। अभी लोग जब आए थे तो लोग पैसा कमाने ही तो आए थे, तो देख रहे कहां से पैसा नहीं आ रहा है सोना खान से। तो वहां पर टैक्स वसूला जो कर मुक्त था उसको क्या कर देता है? ये समाप्त कर देता है। इसी का विरोध करते हैं ना कौन? आपका राम राय। क्लियर। तो याद रखना सोना खान में 1818 में राम राय का विद्रोह किसके समय? आपका एगन्यू के समय। और एगन्यू के समय ही और भी विद्रोह। तो याद रखना 1818 में एगन्यू के समय हुए विद्रोह ना, 1818 में सोना खान में राम राय का विद्रोह, ओके, नवागढ़ के महारासिया का विद्रोह, ओके, जमींदार किस्सेदार था। 1818 से 1825 धमधा के गोंड राजा का विद्रोह, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह। उसके बाद 1820 में सावंत भारती का विद्रोह, सावंत भारती का विद्रोह। 1825 में गेन सिंह परलकोट का विद्रोह करने वाले कौन थे? आपका गेन सिंह। तो ये जो 5 विद्रोह दिख रहे हैं ये किसके समय हुआ? आपका एगन्यू के समय। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एगन्यू ने, सेंडिस ने, हंटर ने, या डीन में से कोई नहीं? तो ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी किसके समय? सेंडिस के समय। क्लियर है। तो सेंडिस कब से कब तक था? तो 25 से 28, 1825 से 28 तक बताया भी।
तो सेंडिस ने ही छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ओके, ताहूतदारी प्रथा कहने का अर्थ कि जो बंजर भूमि हुआ करता था उस बंजर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाना, यही प्रथा कहलाई क्या आपका ताहूतदारी। क्लियर है? तो सेंडिस के समय दो ताहूतदारी, एक लोरमी और एक तरेंगा। तो लोरमी ताहूतदारी आपका कब बनाए? 1826 में, और तरेंगा को आपका 1828 में। क्लियर? ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? सेंडिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंडिस ने किस कैलेंडर को मान्यता दी थी? हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेजी, अडियन में से कोई नहीं। तो सेंडिस जब अधीक्षक बनता है तो अपने शासनकाल के दौरान ये छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी कैलेंडर को लागू करता है। क्लियर है? कौन? सेंडिस। किस कैलेंडर को लागू किया? अंग्रेजी। साथ ही साथ यहां पे डाक व तार व्यवस्था का भी प्रारंभ किया था। कौन? आपका सेंडिस। याद रहेगा? चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश अधीक्षक को सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे? एगन्यू को, हंटर को, सेंडिस को, या डीन में से कोई नहीं। तो छह ब्रिटिश अधीक्षक का नाम मैं बताया, जिसमें सबसे लंबा समय यदि दिख रहा है तो किसका? आपका एगन्यू का, 1818 से 1825 तक। तो एगन्यू जब आया तो बहुत सारे आपका क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया, देखे जैसे कि अभी। लेकिन उसको जितना अधिकार दिया गया था उससे कहीं ज्यादा अधिकार दिया गया था किसको? आपका सेंडिस को। क्लियर है? तो एगन्यू से भी ज्यादा अधिकार दिए थे किसको? सेंडिस को। इसको सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार दिए गए थे किसको? सेंडिस को। क्लियर है? जिसका दायरा किससे ज्यादा था? एगन्यू से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर और करौंद जमींदारों का विवाद किसके समय हुआ था? तो करौंद ये आपका उड़ीसा, उड़ीसा में आपका कालाहांडी। ओके, यहां पे विद्रोह होगा। तो बस्तर और करौंद का जो विद्रोह है वो सैंडिस के समय होता है। किसके समय? सैंडिस के समय। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को यानी इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था? कब की बात है? तो छत्तीसगढ़ को जिला कब बनाया गया, वहां जिलेदारों की नियुक्ति कब की गई? ठीक, तो ब्रिटिश शासन जैसे समाप्त तो होता है, छत्तीसगढ़ में मराठा जो है ब्रिटिशों के अधीन थे कब से कब तक? 1818 से 1830 तक, है ना? क्लियर? तो डेट याद रखना, 27 दिसंबर 1829। तो जो अल्पवयस्क शासक था कौन? बाजीराव गुजर, जिसको संरक्षण प्रदान कर रहे थे कौन? आपका ब्रिटिश। तो जैसे ही वो व्यस्क होता है उसको किस नाम से जाना जाएगा? आपका रघुजी त्रिति। तो रघुजी त्रिति जैसे ही व्यस्क होगा तो सभी के बीच, है ना, अंग्रेजों और आपका मराठा शासक रघुजी त्रिति के बीच क्या होगा? आपका संधि होगा। तो 27 दिसंबर 1829 को नागपुर की संधि हुआ। ओके, तो इस संधि में, नागपुर में यह संधि किसके किसके बीच? तो रघुजी त्रिति। अब चूंकि बोले थे ना उस समय 1818 में कि जब तक बाजीराव गुजर व्यस्त नहीं हो जाता तब तक पूरा संरक्षण देंगे कौन? ब्रिटिश, और पूरा शासन को संभालेंगे। अब यह व्यस्त हुआ तो सत्ता को सौंपने का समय आएगा, हैंडओवर करेंगे। तो रघुजी त्रिति और उस समय नागपुर का रेजिडेंट विल्डर, कौन? विल्डर। ओके, और अंतिम अधीक्षक कौन था? ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड। तो इन तीनों शामिल रहेंगे इस संधि में, नागपुर की संधि 27 दिसंबर 1829, और सत्ता को हैंडओवर कर दिया जाएगा किसको? आपका रघुजी त्रिति को। फाइनली 6 जून 1830 को रघुजी त्रिति गद्दी पे बैठेगा। क्लियर है? और फिर से शासन चालू हो जाएगा किसका? मराठों का। तो 1830 से ये आपका 1854 तक छत्तीसगढ़ में
पुनः मराठा शासन लागू होगा। कब से? 6 जून से। क्लियर है? शासक कौन रहेगा आपका? रघुजी तृतीय। तो रघुजी तृतीय जब शासक बनते थे भी छत्तीसगढ़ नहीं आकर क्या वहां बैठे कौन? तो नागपुर में रह के छत्तीसगढ़ को चलाएगा और छत्तीसगढ़ को ये क्या बना देता है आपका? जिला। और यहां क्या करेगा? जिलेदारों की नियुक्ति करेगा। कौन? रघुजी तृतीय। तो कुल 8 जिलेदार हुए। कितने? 8। तो 8 जिलेदारों में नाम याद रखना, कृष्णराव अप्पा, कृष्णराव अमृतराव, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन, ओके, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, इंटुक राव, सखाराम बापू, सखाराम बापू, सखाराम हरि नहीं बोल रहा हूं ना, सखाराम बापू है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं क्या सखाराम हरि। सखाराम हरि सूबेदार था। क्या था? सूबेदार। ये क्या है? सखाराम बापू ये जिलेदार है। क्या है? जिलेदार। गोविंद राव, गोविंद राव, गोपाल राव, गोपाल राव, ओके। अब वो सब्सक्राइब में लिखा गया है, सब्सक्राइब कर दिया करो ना, है ना। चलो, गोपाल राव, इसी तो लगाए हैं बटन को, देखो ठीक है। तो अंतिम जिलेदार कौन? गोपाल राव। क्लियर है? पहला जिलेदार कौन आपका? कृष्ण राव अप्पा। क्लियर है? चलिए, तो कब से कब तक दिख रहा है? 1830 से 1854, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? 1830 से 1854। फिर 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है। चूंकि निसंतान रहता है, कोई पुत्र रहता नहीं है, तो डलहौजी के हड़प नीति के तहत अंततः 13 मार्च 1854 को नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का क्या कर दिया जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा और 1854 को ब्रिटिश शासन पूरे भारत में, सॉरी पूरे छत्तीसगढ़ में नागपुर सहित क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1830 से 1854। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूतदारी नहीं थी। तो ब्रिटिश सत्ता की पूर्ण रूप से स्थापना कब? तो 13 मार्च 1854 को। तो कह रहे ये कि 1854 से पहले कौन कौन सा ताहूतदारी अस्तित्व में था? तो लोरमी अभी बताया, सैंडिस के समय 1826, तरेंगा बताया 1828, अब बच गया कौन? सिरपुर और संजारी। तो रघुजी तृतीय का शासन, रघुजी तृतीय का शासन कब से कब तक? तो 53 तक जिंदा रहता है। 1830 से 6 जून से चालू होगा, 1853 11 दिसंबर तक ये रहेगा, ओके। तो इसके समय 1843 में सिरपुर ताहूतदारी निर्मित होगा। क्लियर? 1848 में लवन, कौन सी ताहूतदारी? लवन। क्लियर? तो सिरपुर ए भी 54 से पहले बना। क्लियर है? उसके बाद तो याद रखना 43 में सिरपुर और 48 में आपका लवन। फिर जब छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन चालू होगा 1854 से, तो छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बन के आएगा कौन आपका? चार्ल्स सी इलियट। तो चार्ल्स सी इलियट के समय में 1858 में, कब? 1858 में संजारी ये बनेगा ताहूतदारी। खल्लारी, क्या? खल्लारी, ठीक। और आपका सिहावा, ये तीन ताहूतदारी किसके समय? चार्ल्स सी इलियट के समय, कब आपका? 1858। क्लियर है? तो कौन सा नहीं था 54 से पहले? तो कौन सा नहीं था? संजारी नहीं था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बरगढ़ का विद्रोह किसके समय हुआ था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, तृतीय, है ना, रघुजी प्रथम ये 1855 में मर जा रहते हैं, क्लियर है, रघुजी द्वितीय 1755 में मरता है, रघुजी द्वितीय ये आपका अभी बताया 1816 में मरेगा, रघुजी तृतीय मृत्यु 53 में होगी इसकी, 11 दिसंबर को। तो रघुजी तृतीय के समय हुआ था आपका क्या? बरगढ़ का विद्रोह, क्लियर है। तो रघुजी तृतीय के समय हुए विद्रोह कौन कौन से? तो रघुजी तृतीय के समय धमधा का विद्रोह होगा, धमधा के जमींदार का विद्रोह। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह 1818 से 1825 किसके समय? तो आपका एगन्यू के समय। धमधा के जमींदार का विद्रोह रघुजी तृतीय के समय कब? 1830 में, क्लियर। रघुजी तृतीय के समय ही बरगढ़ का विद्रोह रायगढ़ वाले क्षेत्र में, यह आपका 1833 से 45, ओके। रघुजी तृतीय के समय ही तारापुर का विद्रोह बस्तर ना, ठीक है, कब से कब तक? 1842 से 54। और रघुजी तृतीय के समय ही बस्तर में मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह ये आपका 1842 से 1863, कब? 1863 किसके समय? तो रघुजी तृतीय के समय। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? रघुजी तृतीय के समय ही हुआ था क्या? बरगढ़ का विद्रोह, ओके, क्लियर है।